प्रीलिम्स का जो पेपर है ऑल अबाउट क्वालिफाइंग, इसमें दो पेपर आएंगे, एक है जर्नल स्टडीज और सेकंड है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको सीसेट भी कहते हैं। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा आपका प्रीलिम्स और 100 मार्क्स की जीएस है और 100 मार्क्स का सीसेट है। सीसेट इज ओनली क्वालिफाइंग। अब जो हरियाणा है वो भी यूपीएससी के पैटर्न को कॉपी कर रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले एक ऑप्शनल दिया जाता था पेपर टू की जगह, बट अब से वो क्या कर रहे हैं, सी सेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे लिए दोनों चीजें क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि जनरल स्टडीज में क्या आता है, हम मेजर मेजर सब्जेक्ट्स करते हैं कि कौन कौन सी ये पूछते हैं और पूछने वाले हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफी। इन्होंने एज सच कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस रहने वाला है एचसीएस का, बट स्टिल जब जर्नल स्टडीज उन्होंने मेंशन किया या यूपीएससी जिस जर्नल स्टडीज के अंदर जो सब कैटेगरीज देती है, ऑलमोस्ट हम उन कैटेगरीज को कैटर करने वाले हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इससे रिलेटेड, और इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एचसीएस की बात करें, यूपीएससी से कंपैरिजन करें, तो इतना ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं आएगा, बट फिर भी इन्होंने अपना लेवल रेज किया है। हम तैयारी जो कर जाएंगे वो कॉन्सेप्ट्स की ही करके जाएंगे और इन डेप्थ कोशिश करेंगे कि इन दो ढाई महीनों में, क्योंकि देखो उन्होंने बोला है मई में पेपर होना है, तो आप लगा सकते हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच भी होगा, तो वो टाइम जो होगा वो हम मैक्सिमम एमसीक्यूज के लिए रखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखने वाला हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या करते हैं वो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस नेशनल मूवमेंट। मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं वो नेशनल मूवमेंट से आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का परसेंटेज रहता है वो नेशनल मूवमेंट से रहेगा। यूपीएससी में भी पहले ऐसा ही होता था कि नेशनल मूवमेंट हम पढ़कर जाते थे, बट उन्होंने ट्रेंड कर दिया कि एंशियंट और मेडिवल और उसके आर्ट एंड कल्चर, कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो ये नहीं है कि हम नेशनल मूवमेंट ही अकेला करेंगे, इसको तो अच्छे से तैयार करेंगे, उन्होंने मेंशन है किया हुआ है, बट हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। उसके साथ साथ इकोनॉमी, उसके मैं आपके साथ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हर बार हर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दे देंगे। इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल साइंस एंड साइंस एंड टेक, एंड सिक्स्थ इज एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी लगाओ, चाहे इंडियन पॉलिटी लगाओ, चाहे इकोनॉमी लगाओ, चाहे एनवायरमेंट, इन सब में क्या आता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी वहीं से ही फ्रेम होते हैं, जो भी प्लेसेस इन न्यूज रहेंगे वो आपको स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी टर्की में क्या आया था, भूकंप आया था, आपको पता होगा है ना, तो उससे रिलेटेड अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी में। इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी करंट कोई स्कीम लॉन्च हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, जैसे इन्फ्लेशन अभी डबल डिजिट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम नहीं मिस कर सकते, और आपको एक साल के करंट अफेयर तो पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैक्सिमम आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स तो पढ़ें, जो फैक्ट्स हैं वो 6 मंथ के कवर करें, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक साल के लेने पड़ेंगे। और इसके लिए हमारी तरफ से आपको करंट अफेयर मैगजीन भी मिलेगी, उसको आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलरली 6+1 करंट अफेयर, ये 7 सब्जेक्ट्स आपको मेनली फोकस करने हैं, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी। इसके साथ साथ जो एक एक्स्ट्रा आता है यूपीएससी के, वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके
हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, उसके मॉन्यूमेंट्स, उसका कल्चर, उसकी पॉलिटी, वो सारा। इनफैक्ट सेंसस का भी एक से दो क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं, तो हरियाणा जीके आपने अलग से करना है। और आउट ऑफ 100 मार्क्स वो हरियाणा का 30% ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करते हैं, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन, रेस्ट जो मैंने टॉपिक्स लिखे थे उससे आएंगे, और हरियाणा जीके 30% 25% रहता ही रहता है। तो हमारे लिए जनरल स्टडीज में हरियाणा भी बहुत जरूरी है, और मेंस पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके 3 मेजर सेक्शंस हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स वो भी इंग्लिश में ही आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी इसी में आ जाता है, बाकी ये 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंग्लिश, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। सेकेंड इज रीजनिंग, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। थर्ड इज क्वांट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, कुछ आपके स्पीड मैथ से क्वेश्चन आते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन, और कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और क्वांट के, जैसे एजीज का क्वेश्चन आता है, क्लॉक का क्वेश्चन आता है, तो वो आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो ये सी सेट का रहेगा 100 मार्क्स का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रीलिम्स का क्या रहता है। नॉट ऑडिबल, सतेंद्र को ही आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? विश्वजीत, भावना, जयपाल, विकास, बच्चे आवाज आ रही है आपको मेरी? सतेंद्र आपका बच्चे इंटरनेट वीक है, बाकी सब ओके। सर आ रही है आ रही है? ओके ग्रेट अभी। ग्रेट, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इज 0.25। 0.25 का मतलब होता है आपने 4 क्वेश्चन अगर गलत अटेम्प्ट किए, तो अगर जो आपका सही क्वेश्चन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब हर क्वेश्चन गलत पे आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। और पेपर 2 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ये आप अपना वहां से भी कवर कर सकते हैं। मेनली मैंने आपको बताना है कि ये शेड्यूल कैसे रहने वाला है। मेंस में आपके 4 पेपर हैं। पेपर 1 इज इंग्लिश, इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे, कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ साथ ग्रामर पोर्शन रहेगा, वो 100 मार्क्स का आएगा। हिंदी में भी सेम उसी तरीके से 100 मार्क्स का आएगा। इसकी तैयारी बच्चों आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं, हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आप स्टार्ट करें विद कॉमन टॉपिक्स। जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन शुरू ही नहीं की है, वो अपने कॉमन टॉपिक्स के साथ प्लस जो इश्यूज न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उसे आप अभी से ही लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद जर्नल स्टडीज, जो हमने सारा सिलेबस वहां पे देखा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में ओनली नेशनल मूवमेंट आएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल, इन दोनों के रिलेटेड जो पर्टिकुलर कोई इश्यूज हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज में आएंगे। और कोई भी एक आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो नीचे लिस्ट दी गई है, या जो आपके ग्रेजुएशन में होंगे उसके बेसिस पे आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप ऑप्शनल ऑप्ट करेंगे उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जिन्होंने तैयारी काफी टाइम से छोड़ी हुई है वो कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब बहुत ही लिमिटेड टाइम है और हम इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट लें जो कि जीएस में है, या तो ज्योग्राफी ले लें या तो हिस्ट्री, बट देख लीजिएगा कि आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या लिखते हैं तो आप उसको अपना आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हुए या ऑप्ट करते हुए या सब्जेक्ट लेते हुए चुनते हुए। और दूसरा है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे, वो अपने ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट ले, कोई 8 सब्जेक्ट्स हैं तो उसके बेसिस पे लें, और रेस्ट आप ये देखें कि
कि उसमें प्रीवियस इयर्स में कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं है, और प्रीवियस इयर्स के पेपर उठा के उनको भी आपको एनालाइज करना है। पिछले 5 साल के पेपर आप एनालाइज करेंगे या 3 साल के भी करते तो मोर देन सफिशियंट है, आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। उसके साथ साथ आपने जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं ऑप्शनल आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर आपने यूपीएससी का ऑप्शन की तरह इसको पढ़ लिया या प्रिपेयर कर लिया तो आप यहाँ पे मात नहीं खाने वाले हैं। ओनली 200 मार्क्स का ही है, मतलब एक ही पेपर होगा ऑप्शनल का। ये ऑप्शनल है, कोई भी इसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, जो आपको पसंद है, जिससे आप लिख सकते हैं। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ आपको मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आपका कोई पर्टिकुलर मेंटर होगा जो आपको चेक करके फीडबैक दे, तभी आपका ये ऑप्शनल में सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और ये ओनली 600 मार्क्स का है और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का है, तो टोटल आपका जो मेरिट बनेंगे वो 675 से बनेगी। जो प्री के मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होने वाले हैं, ओनली मेक्स मेंस मेंस के मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल स्टडीज। तो ये बच्चों आपका सिलेबस था। अब हम चलते हैं कि हम अब चलते हैं कि डिवाइन आपको किस तरह से प्रिपेयर कराएगा, उसके ऊपर हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा, चाहे वो हरियाणा जीके है, चाहे वो अदर बुकलेट्स हैं, और कोशिश करेंगे कि हम उसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे सके और मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस होगा। आप भी जानते हैं कि इन 2 महीनों में जो प्रीलिम्स का टाइम हमें दिया गया है उसमें हम डिटेल में सारी चीजें नहीं कर सकते, बट हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कैटर करेंगे। उसकी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। टेस्ट सीरीज एक होगी आपकी वीकली, जो आपका सिलेबस चल रहा है, जो जो कंपोनेंट आपका फिनिश होगा तो उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इसके बाद होगी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, जो जो आपका सब्जेक्ट खत्म होता रहेगा, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी फिनिश हुआ तो उसका आपको टेस्ट मिलेगा, हिस्ट्री खत्म हुई तो हिस्ट्री का टेस्ट मिलेगा, एंशंट खत्म हुई तो एंशंट का, मेडिवल, मॉडर्न, उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगी। जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये हमने कोशिश किया है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकें, तो अभी फिलहाल हम आपको फुल लेंथ जो है वो 10 देंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट अभी जो प्रपोज्ड है दैट इज 10। और सी सेट के जो होंगे वो आपको 5 टेस्ट रहेंगे, तो टोटल आपको 15 टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको वीकली टेस्ट दिया जाएगा जो सेशन में चल रहा है। ये मैं टेस्ट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आप जब तक एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है और मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, किसको मेरे को ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है या किससे मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा। ये जो होल सिलेबस है इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चंस भी आपको साथ में ही मिलेंगे फुल लेंथ में। आई होप आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अमन, भावना, जयपाल, मीनू, रिदम, सतिंदर, विकास, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, योगेश, बच्चों ये क्लियर हो गया आपको? जल्दी बताइए बेटा। अब सब बच्चे हरियाणा से ही हैं?
आप सबने ऑनलाइन कोर्स ही ऑप्ट करना है या फिजिकल क्लासेस के लिए भी आएंगे आप? चलो आगे चलते हैं। जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा दैट इज जीएस की दो क्लासेस आपकी लगेंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, और सीसेट की एक क्लास लगेगी। हम कोशिश करेंगे कि 1.5 से 2 घंटे तक होगा, बट डिपेंड आपके पास कितना टाइम होता है। हमने अभी 1.5-1.5 घंटा प्रपोज किया है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा बैठ सकते हैं तो ऑन डिमांड हम मैनेजमेंट से डिस्कस करके इसको 2 आवर्स तक स्ट्रेच करेंगे, और जीएस सीसेट की क्लास आपकी 1 आवर की रहेगी। तो टोटल अभी 4 आवर्स का जो पर डे का है जो सेशन रहेगा, और एवरी संडे आपका टेस्ट होगा ही होगा। मंडे टू सैटरडे आपके क्लासेस होंगे और एवरी संडे आपका टेस्ट रहेगा। वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो 3 घंटे तो अपनी जीएस की क्लास होगी और सीसेट की 1 आवर। और इसके साथ साथ बच्चों आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। अगर 1.5 घंटे की जीएस की क्लास चल रही है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपको उसके साथ 2 घंटे लगाने पड़ेंगे उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप सारा सिलेबस खत्म करें उसके बाद सोचे मैं रिवाइज करूंगा देखेंगे कब तक होता है। नहीं, 2 घंटे आपको इसके बाद भी देने पड़ेंगे रिविजन के लिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ टाइम और आपका अटेंड किया हुआ लेक्चर्स का टाइम वो वेस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मिलेगी ताकि आप बाद में उसको किसी भी टाइम एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, राइट। तो ये आपका क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, और रेस्ट जो आपको पूरा शेड्यूल है कि जैसे हमने इंडियन पॉलिटी के लिए 25-30 आवर्स रखे हैं अप्रोक्सीमेटली, सब सब्जेक्ट्स के लिए जैसे हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है उसको 30-35 आवर्स रखे हैं, तो वो शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन बच्चे? ओके, कोई क्वेश्चन है बच्चे? फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। वैदिक मैथ्स का कुछ करेंगे जो कि आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, स्पीड मैथ्स में भी। जल्दी बताइए कोई एनी डाउट, और कोशिश करो यार बात करो, हम भी तो आए हैं आपके लिए यहाँ पे, और आप भी लगा रहे हो। अगर आधा पौना घंटा लगा रहे हो या 1-1.5 घंटा लगाओगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो लेके जाओगे ना, यहाँ से सीख के जाओगे। कोशिश करो बात करो। स्टार्ट करें फिर बच्चों टॉपिक, अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सेशन स्टार्ट करो फिर मैं। यस और नो रिवर्ट करो। एम आई ऑडिबल? चलो स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। कोशिश कीजिएगा बच्चों यार इंटरेक्ट करो, तुम्हारे लिए खड़े हैं हम यहाँ पे। स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं आज। हम सीखेंगे 1 से 100 तक के स्क्वायर्स वर्बली कैसे याद रख सकते हैं। आपने 30 तक के स्क्वायर्स तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद रखने हैं, बट 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना, तो 100 क्या, 130 तक के स्क्वायर्स आपको सारे याद हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 तक के स्क्वायर मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको याद ही होंगे। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 इज 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 864, 981 and 10 is 100. 10 का होता है स्क्वायर 100, 11 का होता है 121. अगर यहीं पे ही 11 की जगह 111 आ जाए तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? आपने ये देखना है कि यहाँ पे कितने 1 हैं, कितने 1 हैं, यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिया, उससे इधर को भी रिवर्स काउंटिंग लिखनी है और इधर को भी रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, 2 1 एंड 2 1। यहीं पे ही अगर आपको
1111 का स्क्वायर निकालने को आ जाएगा। तो आपने क्या देखना है, कितने नंबर ऑफ वन है, कितने नंबर ऑफ वन है, चार। तो यहां पे उल्टा लिख दो और यहां पे भी उल्टा लिख दो, तो ये आपका 1111 का स्क्वायर बन जाएगा। अब कितने भी वन लगाते रहना और उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सिंप्लीफिकेशन के तरीके से आता है कि 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.11 का स्क्वायर प्लस 0.111 का स्क्वायर। तो अगर हमें स्क्वायर्स पता होंगे, अगर हमें स्क्वायर्स पता होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। बट अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लगे तो आपको, मुझे लगता है कि 4-5 मिनट तो इसी को मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे और हो सकता है बीच में कहीं प्लस भी गलत हो जाए। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, वन वन वाली को, कितने भी वन आ जाए उसको इसी तरीके से आपने करना है। आपको यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट, प्लीज बी क्विक। नो सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोई भी डाउट आएगा बच्चे, आपके पास ना हैंड रेज का ऑप्शन है, यहां से आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, मुझे आवाज भी आ जाएगी। यस सर। आगे चलते हैं, 12 का स्क्वायर। ट्वेल्व इज 144। 12 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 21। और इसके स्क्वायर को याद करेंगे तो हमें 21 का भी स्क्वायर याद हो जाएगा, 441। इसको उल्टा करेंगे, देखो 4 है, 4 है, 1 है, तो 4 4 1 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 को उल्टा कर दो तो बन जाएगा 31। और इसके स्क्वायर को भी उल्टा करोगे तो हमें 31 का स्क्वायर भी याद हो जाएगा, क्या होता है, 961। इसके बाद 14 का होता है 196। अब ये मत बोलिएगा कि सर 41 का 691 हो जाएगा, नहीं, इसके बाद तो 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14 का होता है 196। 5th, ये याद ही करना पड़ेगा, या तो 14 की ये 2 डिजिट उल्टी कर देना, 96 बन जाएगा। 15 का होता है 225। एक 5 की भी ट्रिक बताता हूं, अगर 15 का निकालना है या 25 निकालना है या 35 है या 45 है या 55 है, 65, 75, 85, 100, 500, 15, कहीं तक भी निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन आपको टेबल्स कितने आते हैं, यहां पे डिपेंड यही करेगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, जहां पे जिसके एंड में 5 आया है तो 25 तो आता ही आता है, जैसे 25 का भी बता देता हूँ, 625 होता है। तो जहां पे 5 आया है लास्ट में, उसके एंड में तो 25 आना ही आना है। जैसे 35 है, 35 के एंड में भी 5 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 25 तो आएगा ही आएगा। 45 में भी 5 दिखाई दे रहा है तो 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, 25 लास्ट में आएगा आएगा। मतलब हमें यूनिट डिजिट और 10th डिजिट तो लास्ट के 5 से ही पता लग जाते हैं। अब आगे वाला कैसे निकालें और कितने नंबर होंगे हमें नहीं पता। हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, 5 से तो हमने 25 निकाल दिया, ये वाला नंबर कहां से आता है, जो 5 से पहले नंबर लिखा है उसको उसके अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 2, 2 एकम कितना होता है, 2। यहां पर 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसी तरीके से यहां पर 3 है तो यहां पे क्या आएगा, 3 के आगे आ गया 4, 3 4 12, 1 2 2 5। इसी तरीके से 45 का क्या होगा, 5 का 25 आ गया, 4 के बाद क्या आता है, 5 5 4 20, और 5 5 के बाद क्या है, 6 6 5 30। यही अगर आपको 95 का निकालने को दे दूं तो क्या आएगा, 9 5 का 5 आ जाएगा, और 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 के बाद आता है 10, और 10 9 कितना होता है, 90, तो 90 25 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर है, 5 की ट्रिक पता लगी आपको। यस सर। गुड, आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग है, अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो रिकॉर्डिंग ले लेना, वहां से आप फेच कर सकते हैं।
16 का होता है 256, 256, 17, 18, 19। मैं बोलता हूँ 16 का आपको याद ही रखना पड़ेगा यार, इसकी ट्रिक बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर चीज की ट्रिक भी नहीं होती ना। अब 7 है, 8 है और 9 है, हमें ये याद रखना है कि 7 के एंड में हमेशा 9 आएगा, चाहे हम 27 का करें 729 होता है, 17 का करें तो अभी हम बताऊंगा 289 होता है, और 7 का करें तो 49 होता है, मतलब 7 के एंड में तो हमेशा 9 आएगा ही आएगा, 8 के एंड में हमेशा 4 आएगा ही आएगा, और 9 के एंड में हमेशा 1 आएगा। तो ये आपको यहां से ही रट्टा मार लेना है। और आगे वाले कैसे निकालने हैं, यहां से आपने ओनली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 for the 28, 8 for the 32, 9 for the 36। इसका कुछ नहीं है, ये तो इजी है, 2 का याद होना चाहिए और 0 के बाद जितनी 0 हो उनको डबल करते रहो, 2 × 4 होता है और 0 जितनी भी दी हुई है यहाँ पे उसको डबल करके लिख दो, वो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो 17, 18, 19 का आई होप याद हो गया होगा कि 7 के एंड में 9 है, 49 तो अपने को याद ही है, तो 9 हम सीधा उठा लेंगे, 8, 8, 64 होता है, इसका 4 उठा लिया, 9, 9, 81 होता है, इसका 1 उठा लिया। अब रेस्ट रहेगी ये वाले कैसे निकालें, तो आपने सीधा 4 से गुना करना है, वो याद रखना है, 7 for the 28, 8 for the 32, 9 for the 36। तो ऐसे हमें 20 तक सारे स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। अगर आपको 20 तक होते हैं तो आप 80 तक स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और 120 तक जा सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि एटलीस्ट आप 30 तक स्क्वायर्स याद करें, और 30 तक स्क्वायर्स याद हो गए ना, आपकी कैलकुलेशन रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, तो आप वो फट से कर सकेंगे अगर आपको ये चीज आती होगी तो। देखो 21 का स्क्वायर वो हम यहीं से याद कर लेंगे, 22 के लिए या फिर किसी भी अदर स्क्वायर के लिए मैं ट्रिक बताता हूं, देखो कैसे, ये आपको याद रखना है, शायद याद भी होगा, छोटे होते पढ़ा भी है, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, अगर तुम्हें ए और बी की वैल्यू पता लग जाए तो तुम सारा सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये 22 है, 22 का जो ये लास्ट वाला अक्षर होगा ना ये हमेशा बी होगा, और इसके अलावा जितने भी अक्षर होंगे ये हमेशा ए होंगे। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई तो हम इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सर इससे अच्छा तो मैं 22 × 22 कर लूं, ये जल्दी हो जाएगा, नहीं यही जल्दी होगा, और ये तो आपको याद भी रखना है। देखो कैसे, यहां पर बी है, इधर बी स्क्वायर है, तो यहां पे हमें बी की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वो यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्या है, ए और बी, और यहां पे क्या लिखा है 2ab, तो हम क्या करेंगे 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 × 4 × 8, 4 × 8, तो यहां पर आ गया 8। अब यहां पे ए स्क्वायर है, चलो आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूं, ऐसे आएगा, यहां पे ए स्क्वायर है, यहां ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, यहां पे ए स्क्वायर है तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा 22 का स्क्वायर कितना आया 484। अब देखो अगर मैं यहीं पे इजी बता दूं कैसे, 2 का स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया और 2ab मैंने यहीं से कर दिया, इन तीनों को यूज करके, और इसका मैंने स्क्वायर यहां पे लिख दिया, तो हमारे लिए इसको करने से अच्छा है इस चीज को फॉलो कर लो, आपके लिए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था 22 का, एक बार मैं 23 का भी करके बताता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कैसे इसको सॉल्व करना है। और इसमें एक और चीज एडिशन होगी कि अगर जब नंबर बड़ा आ गया, जैसे यहां पे तो अभी सिंगल ही डिजिट आया, यहां पे मान लो 15 आ जाता, तो हम क्या करते, 5 यहां रखते और 1 इसके पास ले जाके 5 कर देते इसको। देखो कैसे करना है, 23 तीन लाइनें लगा लूं, ये जो यहां पे लगाई है सेम, इधर लिख दूं ए स्क्वायर की, यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो ए का आएगा, इधर लिख दूं 2ab और इधर लिख दूं बी स्क्वायर, क्लियर है। अब ये अपने को पता है बी है और ए है, जब हमें वैल्यूज पता है तो हमने तो पुट्टी करनी है, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 3 यहां पे बी, यहां पे बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 9, 3 × 9, 2ab 3 × 2 × 2, 3 × 2 = 6, 2 = 12। अब हमारे पास 12 आ गया, बट यार जगह तो एक ही खाली थी,
अभी ये भी समझा दूंगा कि जगह का कैसे पता लगता है कि तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे, पहले इसको करते हैं। अब हमारे पास एक प्लेस है बट यहाँ पे दो है, तो हम क्या करेंगे, ओनली यूनिट डिजिट को लिखेंगे जैसा कि मैंने यहां पे बताया था, और एक को हम आगे ले जाएंगे। अभी इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर, यहां पे ए की वैल्यू कितनी थी, दो, तो दो दुनी चार प्लस एक पांच, तो 23 का कितना आ गया, 529। अब ये बताओ, नहीं समझ आया तो एक दो एग्जांपल मैं और करवाऊंगा, बताइए क्लियर है यहां तक। बच्चों अमन, भावना, जयपाल, मीनू, संदीप, सतेंद्र, योगेश, शिक्षा, ओके, संदीप, संदीप को ही समझ आ रहा है, और कोई बच्चे? यार ऐसा मत करो, इतना बुरा भी नहीं समझाते हैं। ओके, सतेंद्र को भी समझ आ रहा है, हाथ ही उठा दो यहां पर। गुड, अमन को भी आ गया। मैं सबसे चाहता हूं कि सब एक एटलीस्ट पार्टिसिपेशन करें यार, सीख के जाओ, कभी नहीं भूलेंगे तुम्हें स्क्वेयर्स, वो वर्बली निकालोगे, जल्दी जल्दी सीखोगे तो बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, और रीजनिंग में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। गुड, चलो आगे चलते हैं। 23 का है, अब 24 का कैसे निकालें यार, 24 में थोड़ी सी आपत्ति है बट प्रोसीजर अगर आपको समझ आ गया होगा तो ईजी है। 24, फिर से वही तीन लाइनें। अब मैं तुम्हें तीन लाइनों का कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है। 10 का स्क्वायर हो जाता है तीन डिजिट का, यहां से लेके 31 तक का स्क्वायर कितना है, थ्री डिजिट्स का। मतलब हम ये कह सकते हैं 10 से लेके 31 तक को अगर हम इस पैटर्न से सॉल्व करते हैं तो इनका सबका रिजल्ट कितना आएगा, थ्री डिजिट्स का। अगर हम 32 से कहां तक जाएं कि फोर डिजिट ही रहे, इसके लिए एग्जाम्पल है 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अगर मैं इससे एक भी काट लूं तो कितना आ जाएगा, नो, मतलब 100 के से नीचे जितने भी स्क्वायर होंगे वो कितने डिजिट्स के होंगे, फोर डिजिट्स के। तो ये आपको छोटी सी चीज याद रखनी है कि 10 से लेके 31 तक के जितने भी स्क्वायर हैं वो हैं थ्री डिजिट्स के, 32 से लेके 99 मतलब इसका 1024 होता है, ठीक है, इससे लेके 99 तक का 9801 होता है, तो जितने भी स्क्वायर होंगे देखो कितने डिजिट्स के हुए, चार डिजिट्स के हुए ना। अब ये तुम्हें भी याद हो जाएंगे, तुम सोचोगे सर को कैसे याद है, अबे तुम्हें भी हो जाएंगे। तो 24 का कैसे निकालना है, सेम वही फंडा करेंगे हम, चार, चार का स्क्वायर 16, अब दो नंबर आए बट हमने एक ही फिल करना, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद 2ab, 4 × 8 × 16 प्लस 1 17, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहां पे ए स्क्वायर है, ए इज 2 × 2 = 4 प्लस 1 = 5, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। बस यहां तक याद रखना, इसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा। आई होप आपको 22, 23, 24 का क्लियर हो गया होगा। अब 25 का मैंने तुम्हें बताया हुआ है, 625 है, 625, 5 का 25 आ गया और 2 के बाद उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब रेस्ट कैसे निकाले हैं, देखो नहीं क्लियर होगा तब भी बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, आप ही के लिए हैं हम यहाँ पे। 26, 27, 28 और 29, ये चार कैसे निकाले, हमने इतने सारे लगाए, अब इस पे कोई नई ट्रिक तो लगाएंगे नहीं, नहीं तो फिर ट्रिक ही लगाते रह जाएंगे, याद कैसे रहेगा। आपने क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, अगर 24 में मैं 100 ऐड कर दूं तो 26 का आ जाता है, 676 बन जाता है। अगर 24 के स्क्वायर में मैं 100 ऐड कर दूं तो 26 का स्क्वायर बन जाता है। एक ना ट्रिपलेट भी होता है, वो किसी और दिन बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना जो, तो उसमें ये ट्रिपलेट्स हम याद रखें तो हमारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये साइड 24 है और ये 10 है ना, तो ये हमेशा 26 ही आएगी, तो वहां से ये ट्रिक निकाली थी मैंने कि 24 के स्क्वायर में मैं 100 ऐड करूं तो 26 का स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह से हम आगे चल सकते हैं, 23 के स्क्वायर में अगर मैं 200 ऐड कर दूं तो 27 का स्क्वायर बन जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना हुआ, 729। इसी तरीके से मैं आगे चलूं, 22 के स्क्वायर 300 ऐड कर दूं
तो 28 का बन जाएगा कितना है 484 384। इसके आगे चलूं 21 के स्क्वायर में अगर मैं 400 ऐड कर देता हूं तो 29 का स्क्वायर बन जाएगा। 21 का हमें 12 से ही याद है, तो क्या हुआ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 21 का होता है 441, इसमें मैंने बस 400 ऐड करना है तो आ जाएगा 29 का 841। तो बच्चे ये आपको स्क्वायर 30 तक याद करने हैं बिल्कुल इसी ढंग से या किसी मर्जी ढंग से। ये आपने याद कर लिए तो आपका मैथ्स लिटिल बिट स्ट्रांग हो जाएगा। एक और बात कहूंगा, जो टेबल्स है ना वो ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 20 तक याद कर लेना। 11 का तुम्हें याद होगा, 10 तक याद होंगे, 15 और 20 का भी याद होगा। तो 12 13 14 16 17 18 और 19, मतलब ये 7 टेबल तुम्हें याद करने हैं। और इन 7 टेबल को याद करने के लिए 2 दिन में एक टेबल याद करना, 12 का 2 दिन लगा लो, 13 का 2 दिन लगा लो, एक ही दिन सारे करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार आपको 20 तक टेबल याद हो गए तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, चाहे मैथमेटिक्स है चाहे रीजनिंग है। इतना क्लियर है? अब चलें स्क्वायर नियर 100, अब 100 के आसपास के स्क्वायर करेंगे, चलें आगे जल्दी से, यस और नो। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको सबको रब कर रहा हूं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर नियर 100, ये मस्त चीज है। 100 के आसपास के स्क्वायर हम कैसे करें? दो तीन चीजें हैं माइनर माइनर सी याद रखने वाली। जैसे मान लो हमने 98 का स्क्वायर निकालना है, 99 का मैंने बता दिया था इसलिए मैं 98 से करवा रहा हूं। 98 का स्क्वायर मानना है तो अब ये देखिए कि 98 जो है वो 100 से, मतलब आपने एक ले लिया कंपैरिजन वैल्यू। कंपैरिजन हमेशा किससे करना है? 100 से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर नियर 100। तो आपने ये देखना है ये 98 100 से कम है या ज्यादा। 100 से 98 क्या है? कम है, तो माइनस का साइन लगा दो। कितना कम है? 2 कम है, तो यहां पर हमने माइनस 2 करके वैल्यू लिख देनी है। 96 होगा तो 100 से कंपेयर किया, कितना छोटा है? 4 छोटा है, तो 96 से हमने 4 घटाने हैं। 92 को देखेंगे तो 100 से 92 8 कम है, तो उसी नंबर से उतने नंबर कम करने हैं। तो कितना हो गया? 98 से 2 कम किए 96। ये हमारे 2 डिजिट जो आते हैं ये आते हैं फ्रंट के, आगे के 2 डिजिट, क्योंकि अपने को पता है 99 तक के जितने स्क्वायर्स होंगे, मैंने अभी यहां पे लिखा था, वो कितने डिजिट्स के होंगे? 4 डिजिट्स के होंगे। कितने डिजिट्स के होंगे? 4 डिजिट्स के। तो 98 भी तो 98 से कम ही है, ज्यादा तो नहीं है, तो इसका स्क्वायर भी कितने डिजिट्स का होगा? 4 डिजिट्स का। तो हमारे पास 2 डिजिट तो आ गए, बट ये 2 कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे जो हमारा डिफरेंस आया, जो वैल्यू हमें सामने दिख रही है, कोई मेटाफर वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू हमें सामने दिख रही है इसी का हमने स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, मतलब 04 होता है। 2 डिजिट निकालने थे तो जो जहां खाली जगह रहेगी वहां 0 लगा देना। एक और सॉल्व करते हैं, मान लो 97 का स्क्वायर निकालना है, 100 से देखा 97 कितना कम है? 3 कम है जी, और कम है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो कितना आ गया? 94। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 09 आ गया। 97 का कितना हुआ? 9409। अब 96 का ना वर्बली निकालते हैं बच्चों, 96 का ना हम वर्बली निकालेंगे। देखो वर्बली निकालते हैं, 100 में से 96 कितना घट है? 4। तो अब 4 क्या है? कम है, तो इसमें से 4 माइनस किए कितना हो गया? 92। अब कितना कम था? 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो निकाल सकते हैं वर्बली 9216। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, मान लो हमें 95 का पता है, 90 95 होता है, बट इस मेथड के थ्रू भी निकाल के देते हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। 100 से कितना कम था? 5, तो आ गया 95 का स्क्वायर कितना होता है? 90 25। इजी है। चलो एक दो और करते हैं, 91 का करते हैं, 100 से कितना कम है? 9,
अब इससे 9 घटाओ कितना हो जाएगा 82, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलो टू डिजिट पीछे वाले का निकालते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, फिर आगे चलूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? अमन को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि 6 o'clock आपकी हिस्ट्री की क्लास है नेक्स्ट। यस ओके गुड। अब हम निकालेंगे थोड़े से और पीछे, मान लो 85 का भी चलो हमें पता है। 85 का कितना था 8, 9, 10, 72 और 25, तो इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा? 100 से कितना कम है, माइनस का साइन लगाया, छोटा दिखे तो माइनस का सीधा लगा दो, कितना कम है 15 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसी फॉर्म में हमने लिखा है, तो कितना आ जाएगा 5 से 5 गया 0, 8 से 1 गया 7, अब रह गए हमारे पास यहां पर 2। अब 15 का स्क्वायर अपने को याद होना चाहिए 225, इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, तो 225 को यहां पे हम पुट करेंगे, वही वाला जो हमने इस वाले फॉर्मूले से सीखा था कि आगे डिजिट जो है वो अगले वाले पे प्लस हो जाता है। 5 लिखा इधर, 2 लिखा इधर, अब 2 चला गया इसके पास, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो 7225 हमारा सेम आंसर आ गया। कितना भी पीछे तक जा सकते हो जहां तक आपको स्क्वायर्स आते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब चलते हैं 100 के ऊपर वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि 100 कितने का करें यार, 110 का नहीं, 113 का करते हैं मान लो, या 108 का भी कर सकते हो, जो मन करे वो करके करके देख लेना, 104 का भी कर सकते हो, 111 का भी, 113 है। तो हम क्या देखेंगे, ये 100 से बड़ा है या छोटा है? 100 से ये नंबर बड़ा है तो हमने यहां प्लस का साइन लगा देना है। 100 से ये नंबर क्या है, बड़ा है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। कितना बड़ा है जी, 13 ज्यादा है, तो हमने क्या करा, इसको प्लस का साइन है तो इसी में ही प्लस कर दिया, 113 प्लस 13 126 हो गया। अब 100 का स्क्वायर या उसके नियर बाय स्क्वायर कितने डिजिट्स के होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3 आ गए, 2 रह गए, इन दो को कैसे निकालेंगे, वही सेम फंडा, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 9, 6 और 1 इसमें प्लस कर दिया तो 7, 127, 69, तो किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 108 का निकालते हैं, 8 ज्यादा है, 116 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 104 है, 108 16 हो गया, तो इस तरीके से आप 100 के नियर बाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों? यस ठीक है, आज का सेशन बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन, या अभी हैं 5 मिनट, मैं बता दूं स्क्वायर नियर 50 भी, रिस्पॉन्स करो अगर मैं बता दूं स्क्वायर नियर 50, यस और नो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए? बच्चे हैंड रेज का मतलब मैं पढ़ा दूं आगे, से यस और नो पब्लिक चैट में बोलो जल्दी, हो जाएगा, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और सेम 100 की तरह ही होता है। ठीक है, देखो स्क्वायर नियर 50, 50 के आसपास के स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लो 48 है या 52 है, याद होगा आप मैंने ये क्यों लिखा है, एक बड़ी टर्म है 50 से और एक छोटी टर्म है। यहां पे हम जो प्लस और माइनस, पहले हम जैसे 98 का निकाल रहे थे तो 98 से ही 2 माइनस कर रहे थे, यहां पे जो नंबर प्लस माइनस करने के लिए है वो है 25। देखो कैसे करते हैं, हमने कंपेयर किया कि 50 से 48 क्या है, कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस 2 आ गया, तो हम यहां पर 48 से माइनस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, गलती मत करना, हम यहां 25 से करेंगे, ये फंडा बनाया हुआ है,
तो 25 से 2 गए कितना हुआ 23, और बाकी का फंडा बिल्कुल सेम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0.4। तो इस तरीके से हम कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे कि 42 का निकालना है या 43 का निकालना है। हमने 50 से चेक किया कि यह नंबर कितना छोटा है 8, 50 से चेक किया यह नंबर कितना छोटा है 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये 7 और 8 का, इसको हम 25 में माइनस करेंगे, छोटा है ना, 25 से 8 गए तो कितना रहता है 17, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसी तरह से इसको देखें, 43 है 7, तो 25 से करेंगे, 43 से कभी नहीं करना है, 25 माइनस 7 तो कितना आ गया 5 गए, फिर 2 गए 18, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यही हम 50 से बड़े नंबर को करते हैं, 50 से बड़ा कितना है 52, कितना ज्यादा है प्लस 2 ज्यादा है, हम क्या करेंगे 25 में 2 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 27, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0.4। वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो 64 नंबर है, 64 50 से कितना ज्यादा है जी 14 ज्यादा है, क्या करेंगे 25 ज्यादा है तो 25 में ही प्लस कर देंगे 1.4, तो कितना हो गया 9 और 3, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो इसको क्या करेंगे 96 लिख दिया और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4096। क्लियर है 4096। आई होप आपको समझ आ गया होंगे 50 के नियर बाई। अब देखो तुम कोई भी कर सकते हो यार, अगर हम बात करें 1 से 30 हमने याद कर लिए, 50 से हम 20 तक आ सकते हैं, और 50 से हम 70 तक जा सकते हैं अगर हम 30 तक याद होंगे। इसी तरह 100 से 70 और 100 से 130। तो 1 से लेके हमने 130 तक के किसी भी स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको 30 तक स्क्वायर्स याद हो। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। तो इसी तरह से अभी आपकी क्लास होगी हिस्ट्री की, आप इसी क्लास में लॉगिन रखिए और आप यहीं पे ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं नए जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ही ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई मेरे पढ़ाए हुए में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है, टाइम कम है, और इसीलिए हमने आपको डिवाइन आईएएस एकेडमी में क्रैश कोर्स के लिए एक ग्लिम्स दिखाने के लिए, एक झलक दिखाने के लिए यहाँ पे आज बुलाया है। मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा जी। अभी भी मेरे पास अमन, भावना, इन लोगों ने बताया नहीं है कि वो क्या करते हैं और कहाँ से हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये मान लेता हूँ कि आप सब ग्रेजुएट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इससे पहले इसका सिलेबस जरूर देखा होगा, तो सिलेबस में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आऊंगा सीधे मुद्दे पे, और वो है ये हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दिखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने वास्ट एरिया से पूछे आते हैं कि उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस हरियाणा में नॉर्मली पूछे आते हैं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से हरियाणा के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, जो बाकी सारे एग्जामिनेशंस हुए हैं, उनमें ये देखा गया है कि क्वेश्चंस जो हैं थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, थोड़े डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ गई है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार एचसीएस का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो इतना सिंपल ना हो, तो तैयारी आपको अच्छे से ही करनी पड़ेगी। और चूंकि आर्ट एंड कल्चर साथ में है, तो आर्ट एंड कल्चर में आपके लिटरेचर भी आ जाता है, स्कल्पचर भी आ जाता है, आर्किटेक्चर भी आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाते हैं, डांस भी आ जाते हैं, पेंटिंग भी आ जाते हैं। तो इन सभी चीजों को समझना, जानना और उसमें भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना हमेशा ही एक टफ चैलेंज होता है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए तो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ के साथ थोड़ा बहुत चीजों को याद करना, फैक्ट्स याद करना और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया तो आपको
उसके लिए जो तैयारी करनी होगी वो तैयारी करनी होगी कि आपको डिटेल स्टडी एक बार करना ही होगा। टाइम कम है लेकिन डिटेल स्टडी के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे इसको समझने और जानने की कोशिश हम आज यहाँ पे करेंगे। जी, आप में से किसी का हिस्ट्री बैकग्राउंड है? एनीवन इज हैविंग हिस्ट्री बैकग्राउंड? देखिए, आपको थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ेगा। एकदम अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको फिर ये कोर्स नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, देखिए आपको अगर आप इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो बेटर है कि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग में मत आइए, बिकॉज हिस्ट्री आप नहीं समझ सकते बिना इंटरेक्शन के। आई एम सॉरी, आई एम वेरी हार्श बट दिस इज ट्रू। आपको थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा टीचर के साथ, तभी आप इन सर्विसेज के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर पाएंगे। जी, वेरी गुड। आते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। हिस्ट्री में आप सबको पता है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, इसका तीन हिस्सा है। एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत। अच्छा, आप में से किसी का हिंदी मीडियम तो नहीं है? अगर किसी का है तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा हिंदी में भी रखूंगा काम। एंशियंट हिस्ट्री हिंदी मीडियम है सर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो इसमें एक और चीज आ रही है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो और साथ के साथ आर्ट एंड कल्चर भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के सिलेबस का पैटर्न। ओके, गुड जयपाल जी, थैंक यू सो मच। ये देखिए, यही हेल्प करता है ना, आपके इंटरेक्शन हमें हेल्प करती है ताकि हम आपको समझ सके। और जब तक डॉक्टर आप मरीज की परेशानी को नहीं समझेगा तो दवाई नहीं दे सकता, टीचर बच्चे के लेवल को नहीं समझेगा उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हमें मदद करता है आपको समझने में। जी, एंशियंट मतलब प्राचीन भारत, भारत का इतिहास जो लोगों को तंग करता है। मेडिएवल मतलब मध्यकालीन, जो पढ़ने में मजा तो आता है लेकिन डेफिनेटली हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिटेंशन नहीं होती, बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उसको याद करने के तरीके क्या हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पे। आधुनिक भारत, इतना तो सब सभी समझते हैं, मॉडर्न मतलब आधुनिक ही होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब है विश्व का इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसमें आपको रेनेशा यानी कि पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन पुनर्निर्माण है ना, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति, उसके बाद फिर आपका कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म, उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स, उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सारे टॉपिक्स आपको एक बार करने ही होंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स है और इसमें क्वेश्चंस ज्यादा जो आएंगे वो आएंगे रेनेशा पीरियड से भी हो सकता है, या फिर वर्ल्ड वॉर, या उसके बाद के टाइम के जो मॉडर्न वर्ल्ड की क्रिएशन हुई और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड सीनेरियो चेंज हुआ, जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आया, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। खैर, एंशियंट हिस्ट्री की जहां तक बात है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसी में इंक्लूड रहता है आर्ट एंड कल्चर का भी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आर्ट एंड कल्चर अलग से करें और ये सारे चीजें अलग अलग से करें, तो इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसको भी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारा पहला टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, यानी कल्चर का हिस्सा हो गया रिलीजन, रिलीजन का मतलब हो गया कि किस तरह के बिलीफ सिस्टम था वहां पे, तो हमें वो भी वहां पे करना पड़ेगा। आर्ट में जब हम आएंगे तो हम उनके कंस्ट्रक्शन यानी कि आर्किटेक्चर को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस तरह के आर्किटेक्चर उनका था, किस तरह से सिटी प्लानिंग उनकी थी। दूसरी चीज, उनका जो सील था और सील में बने हुए जो कार्विंग्स थे, यानी कि जो उनकी पेंटिंग आर्ट थी वो किस तरह की थी, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और किस किस तरीके से उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जिससे जैसे कि उनका जो स्कल्पचर था, जो मेटल स्कल्पचर्स था, जो बेसिकली स्टोन स्कल्पचर था, वो किस तरह का था, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि एक ही टाइम पे आपका एंशियंट का हिस्सा भी और आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे वैदिक पीरियड कर रहे हैं, तो वैदिक पीरियड में हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड करेंगे, उनके
लेटर वैदिक पीरियड भी करेंगे और उनके उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ के साथ हम उनके लिटरेचर को भी पढ़ेंगे, उनके साहित्य को भी पढ़ेंगे। अब साहित्य को पढ़ने के लिए किस तरह से काम करना होगा, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखें और इसको इस तरह से याद करें कि वैदिक लिटरेचर कौन कौन सा है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको समझना, इसको याद रखना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से इसको याद करना चाहिए? आप में से कोई है जो बता सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एनीवन? अमन, भावना, जयपाल, संदीप, सतिंदर, योगेश, आप में से कोई बता सकते हैं वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनीवन को बता सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आएगा? आप सबको पता है वेद में क्या क्या आते हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो क्या सिर्फ वही है वैदिक लिटरेचर या इससे ज्यादा है? अगर इससे ज्यादा है तो और कौन कौन से हैं और उसको याद कैसे रखना है, इसको समझिए। जी अमन, भावना, क्या बात है अमन, क्या बात है भावना, आप लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलने की कसम खाई है, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए मुझे प्लीज। कोई बात नहीं, अगर आप बेझिझक हो कि आप कीजिए अटेंड इसको, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप सिर्फ देखने आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे सिर्फ ये देख इंश्योर करना है कि जब तक आप हमारे साथ हैं आप कुछ सीख के जाएं, आपको फायदा मिलेगा, माय प्रॉमिस टू यू, चाहे आप जितना भी पढ़ के आए होंगे जरूर फायदा मिलेगा। जी अमन प्लीज। एक्चुअली सर जो मेरा चैट बॉक्स है वो ओपन नहीं हो रहा सर, इसलिए। कोई बात नहीं, आपने तो बढ़िया तरीका निकाला, देखिए आपने सीधी बात कर ली मेरे साथ ये तो अच्छा हो गया। कोई बात नहीं, बहुत परेशानी आती है। जी बताइए अमन। ये सर मैं सर इंडियन नेवी से हूँ सर, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ सर, तो मेरी अभी ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दिए सर अभी, तो इसलिए सोचा सर पहले प्रिपरेशन करूँ सर। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, बिल्कुल ये मत समझिए कि आपने पहले तैयारी नहीं की है तो एचसीएस क्वालिफाई नहीं हो सकता, एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैंने मैम से बात की थी सर, तो मैम बोली एक क्रैश कोर्स है 16 डेज का, तो मैं बोला सर मैम से बात की तो मुझे कंप्लीट चाहिए सर। कोई बात नहीं, आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि हमें किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है कि हिस्ट्री याद रहे लंबे समय तक। देखिए हमारा पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपको ऐसी गाइडेंस दी जाए जिसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको लंबे समय तक याद रहे, और हिस्ट्री को सिर्फ रट्टा मार के नहीं पढ़ाया सकता, रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो हमें किस तरह से पढ़ना है उसी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वैदिक लिटरेचर, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में सबसे पहला नाम आता है ऋग्वेद, ओके। अब ऋग्वेद के बारे में दो चीजें समझ लीजिए, ऋग्वेद वैदिक पीरियड में इसकी रचना की गई, यानी कि दो पीरियड हैं वैदिक और लेटर वैदिक। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि वैदिक पीरियड जो है ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का समय है, और जो लेटर वैदिक है ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के समय को कहते हैं। क्लियर? यानी कि 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय काल है उसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी कि जब आर्यंस इंडिया में एंटर ही कर रहे थे। कहां पे थे आर्यंस? देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं इंडिया का मैप दिखाऊं आपको, इंडिया मैप वैदिक पीरियड, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो हमें भी आसानी हो जाती है काफी। ये देखिए आप सबको मैप शायद दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आ गया मैप, देखिए ये इंडिया है,
लेकिन ये जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको वैदिक पीरियड के नाम पे वैदिक लेटर वैदिक दोनों दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहां से लेकर के ये जो टेरिटरी है ये वैदिक पीरियड की टेरिटरी है। इसे कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, सात नदियों का स्थान। सप्त सिंधु, सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब नदी और प्रदेश मतलब स्थान। तो ये जो स्थान है जहां पे आर्यन सभी आए हैं वो भी नोमेड्स हैं। नोमेड्स का मतलब खानाबदोश है। ये कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से यहां पे पहुंचे और यहां पे आने के बाद इन्होंने अभी भी अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज नहीं किया, बिकॉज ये जो टेरिटरी है ये टेरिटरी भी इतनी फर्टाइल नहीं मानी जा सकती। ये जब इंटर करेंगे सेंट्रल इंडिया में तब ये गंगा यमुना के प्लेन में पहुंचेंगे और उसके बाद इनका लाइफ चेंज होगा। तो ये क्या है? नोमैडिक लोग हैं। नोमैडिक मतलब क्या होता है? खाना दोष, खाना बदोष लोग, ठीक है, नोमैडिक हैं। और इनका काम क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का है, यानी कि पशुपालन का है, पशुपालन करते हैं ये। तो ये जानवरों को चराते चराते यहां पहुंचे और यहां पे इन्होंने एक सभ्यता का शुरुआत किया। और इनके जो वैदिक पीरियड की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं है। ऋग्वेद क्या है? अब आप समझिए इस बात को। उस समय के जो योगी मुनि होते थे उन्होंने क्या किया? दो तरीकों से वेदों की रचना हुई। ये लिखा नहीं गया उस समय, इसकी सिर्फ कंपाइलेशन हुई। इसको आप हिंदी में कहते हैं रचना, लिखी नहीं गई। तो वेदों की रचना कैसे हुई? दो तरीके से, श्रुति एंड स्मृति। ध्यान दिया, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? श्रुति का मतलब दो चीजें होती हैं, इन दोनों के दो मतलब है। श्रुति का मतलब होता है सुनना और स्मृति का मतलब होता है याद रखना। लेकिन यहां पे एक और मतलब है। श्रुति का मतलब है द नॉलेज गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ, यानी कि आप मेडिटेशन में हैं और आपको ईश्वर ने या देवता ने आकर के ज्ञान दिया तो उसको आप कहेंगे श्रुति, सुना आपने। और जो आपने खुद से मेडिटेशन में रहते हुए जो उस श्लोक की आपने रचना की उसे कहते हैं स्मृति, मेड बाय द सेजेस, ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाया गया उसे स्मृति कहते हैं। तो इसके थ्रू ऋग्वेद के हाइम्स की रचना हुई, मतलब श्लोक। और ये श्लोक अलग अलग किताबों में कंपाइल किए गए, अलग अलग बुक्स में कंपाइल किए गए, जिसको कहते हैं 10 मंडल या 10 किताब, 10 मंडलाज। और चूंकि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंडलों की रचना की, यानी कि एक ऋषि मुनि ने शुरू की, उसके बाद उसके बेटे ने, उसके बाद उसके बेटे ने, उसके बाद उसके बेटे ने, तो इसको कई बार फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। और ऋग्वेदिक टाइम पे 10 मंडलों में से सिर्फ 2nd से लेकर के 7th तक की रचना हुई। यानी कि वैदिक लिटरेचर में अगर मैं सिर्फ ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद की जो रचना है वो 1st से 7th तक नहीं हुई, 2nd से लेकर 7th तक हुई है। और 1st, 8th, 9th और 10th इसकी रचना जो है ये बाद में हुई, लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि वैदिक लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूं तो वैदिक लिटरेचर में पहला क्या आया? ऋग्वेद। दूसरा क्या आया? सामवेद। तीसरा क्या आया? चलिए मैं एक और इसमें लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ऋग्वेद। तरह से अभी आपने ऋग्वेद को समझा उसी तरह बाकी वेद को भी समझना है, सामवेद, यजुर्वेद। याद कैसे करना है अभी बताता हूं आपको, ठीक है? अथर्ववेद, अथर्ववेद, उसके बाद आपका आ गया
ब्राह्मण, आरण्यक, ठीक है, उसके बाद आ गया वेदांगा, उसके बाद आ गया आपका उपनिषद, उसके बाद आपका आ गया पुराना, उसके बाद आपका आ गया उपवेदा, उसके बाद आपका आ गया स्मृतिज, फिर आपका आ गया एपिक्स। चलिए इतना समझते हैं पहले, याद कैसे करना है। देखिए ऋग्वेद में क्या है, प्रेज ऑफ गॉड, यानी कि अगर आपको किसी को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आप किसी को किसी की बुराई करके उसको खुश तो नहीं कर सकते ना, किसी की बुराई करोगे तो ऐसा इंसान आपको कमी मिलेगा जो बहुत खुश होगा। कोई भी इंसान खुश होता है अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है। तो सबसे पहले जो आर्यंस थे उन्होंने ऋग्वेद में क्या किया है, प्रेज ऑफ गॉड किया है। प्रेज ऑफ गॉड कैसे, देखिए उसके लिए आपको समझना होगा वैदिक रिलीजन को। वैदिक रिलीजन क्या है, इसको हम कहते हैं नेचर वर्शिप। क्या कहते हैं, नेचर वर्शिप, यानी कि नेचर की ताकतों को जिसको वो समझ नहीं पाते थे उसकी पूजा करते थे, और बाद में इन्हीं ताकतों को उन्होंने क्या किया, एक देवता के साथ जोड़ दिया जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल पावर। मतलब क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन का मतलब व्यक्तिकरण, यानी कि एक प्रकृति की शक्ति है, मान लीजिए बारिश करना, बारिश होना, तो बारिश कौन करा रहा है, इंद्र करा रहे हैं। बिजली कौन बरसा रहे हैं, इंद्र बरसा रहे हैं। अग्नि जो सभी चीजों को साफ करती है, सभी चीजों को समाप्त करती है, जिससे खाना बनता है, वो भी एक देवता बन गए। तो अग्निदेव एक व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे। आपने देखे होंगे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, बाकी चीजों में, वहां पे अग्नि को नहीं दिखाते, वो अग्नि के रूप में एक इंसान को दिखाते हैं जो इंसान के रूप में। तो इस तरीके से व्यक्तिकरण कर दिया गया और उन देवताओं की तारीफें की गई ऋग्वेद में। अब मान लीजिए वो तारीफ से खुश नहीं हुए तो क्या करोगे, आप फिल्मों में देखते हो ना, गाना गाते हैं, ठीक है ना, बुक ऑफ चैंट्स और म्यूजिक। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हीं को एक स्वर गायना, यानी कि कई सारे जो है ब्राह्मण मिलके उच्चारण कर रहे हैं लेकिन एक लय में कर रहे हैं। इसलिए सामवेदा को हमारे क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत मानी जाती है। इस टाइम पे एक स्वर गायन के रूप में म्यूजिक टोन्स, जिसको हम कहते हैं सुर ताल, उसकी शुरुआत यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जी नेक्स्ट आप आते हैं यजुर्वेदा। अब मान लीजिए गाना गा के भी खुश नहीं हुए तो आप क्या करोगे, आप सेक्रीफाइस करोगे। ये तो ये क्या है, बुक ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या, सेक्रीफाइस करना मतलब सब चीजें, आप फास्ट रख रहे हो, आप अपने खाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो भी सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस का मतलब सिर्फ बलि देना नहीं, आपने भगवान को कोई अनाज अर्पण किया जिसको आप प्रसाद कहते हो, वो भी सेक्रीफाइस है। आपने भगवान के सामने दिया जलाया, तो दिया जलाया तो दिया एक्चुअल में क्या है, आप कॉटन और घी सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो भगवान को जा रहा है अग्नि के थ्रू, क्योंकि अग्नि बेसिकली क्या है, मीडिएटर है इंसान और गॉड के बीच में। इसलिए आप दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, आप धूप जलाते हो और हवन में आप स्वाहा स्वाहा करते हो। तो ये क्या करते हो आप, एक्चुअली में वो सभी सामग्री आप अग्नि देव के थ्रू उस पर्टिकुलर देवता तक पहुंचाते हो मंत्र के थ्रू, कि आपने वो मंत्र बोला और अग्नि देव जो है उस चीजों को उस पर्टिकुलर देवता तक पहुंचाएंगे। यही कंसेप्ट लास्ट राइट्स में आती है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है कि अब अग्नि जो है उनको ईश्वर तक पहुंचाएंगे। सेक्रीफाइस सब कुछ है, आपने अपनी कोई प्यारी चीज सेक्रीफाइस कर दी, अपना अनाज सेक्रीफाइस कर दिया, आपने अपने पशु सेक्रीफाइस कर दिए, तो ये सेक्रीफाइस जो है ये
इससे रिलेटेड यजुर्वेद में आपको चीजें मिलेंगी। अथर्ववेद जो है ये पहले वेद नहीं माना जाता था। अथर्ववेद क्या है, आप ऐसे को बता सकते हैं अथर्ववेद में क्या है? जी एनीवन, अथर्ववेद में क्या है? अमन, भावना, जयपाल जी, अथर्ववेद अगर वेद नहीं है तो क्या है? चिकित्सा संबंधित। जी संदीप, किसी ने बोलना है? हाँ जी, चिकित्सा संबंधित। चिकित्सा संबंधित, और थोड़ा सा बताइए। बहुत ही बढ़िया बताया आपने, बहुत ही बढ़िया सर संदीप, बहुत वेरी गुड। और कुछ नहीं आइडिया जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और हमें याद रहे लंबे समय तक? मेरा काम तो एज ए टीचर वही है ना कि आपको चीजें इतने लंबे समय तक याद रहे कि आपको दोबारा बार बार उसको याद करने की जरूरत ना पड़े। जी चलिए कोई बात नहीं, अथर्ववेद को समझिए। अथर्ववेद में क्या है, जैसा कि संदीप जी ने बताया, चिकित्सा संबंधित। चिकित्सा जो है उसका तरीका क्या है? उसका तरीका जो है वो है ट्राइबल वे। ट्राइबल वे, इससे बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा बहुत आयुर्वेद, थोड़ा बहुत प्लांटेशन, प्लांट के थ्रू भी चिकित्सा की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे ना अथर्ववेद, वो असल में दिखा रहा है कि यहाँ के जो ट्राइबल्स थे, जिनको बाद में हरा करके दास बना लिया गया, या जिनको समाज में निचला स्थान दिया गया, या जो जो अनार्य माने जाते थे, दास माने जाते थे, दानव माने जाते थे, वो जो लोग थे उनकी कुछ बिलीफ जो थी उनको जब आर्यंस ने अपनाना शुरू कर दिया, तो वो आर्य और अनार्य कल्चर आपस में मिलते चले गए। यानी कि आप इसको इस तरह समझिए कि जितने भी देवता आपको दिखेंगे, जो आर्य देवता है और जो एक दूसरे देवता जो महादेव के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, वो पूरे तरह से नेचर के रूप में, नेचर के रूप में देखिए, पूरे नेचर के रूप में दिखाई देंगे, नेचुरल। आर्य देवता जो है वो पूरे तरीके से, उनका ड्रेसिंग अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, और जो यहाँ के देवता होंगे, शिव जैसे कि मानते हैं, महादेव जैसे मानते हैं, वो जो देवता है वो अलग ही है, उनका रूप अलग है, उनका व्यवहार अलग है। लेकिन बाद में उनको अगर आप शिव के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि शिव भगवान को पहले स्वीकृति नहीं मिली, और यही कारण था कि सती जो थी उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, और उसके बाद फिर दोबारा पार्वती के रूप में उनका अवतार होता है, और पार्वती के साथ जो उनकी शादी होती है वो पूरी एक्सेप्टेंस को दिखाता है, और इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस था जिसमें ब्लैक मैजिक, जिसमें जिसको आप काला जादू कहते हो, या फिर जो ट्राइबल कल्चर्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसी का असली रूप जो है वो अथर्ववेद में आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप नींबू मिर्ची करते हैं, या नजर लग जाती है, या इस तरह की चीज, झाड़ फूक जो होता है, वो सब अथर्ववेद का ही हिस्सा रहा, और काफी समय तक इन तीनों को ही त्रिवेद कहा जाता था, अथर्ववेद उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में इसको भी एक वेद होने का सम्मान मिल गया। यहां तक तो आप सबको पता होगा, इसके बाद की जो चीजें हैं वो असल में समझने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सब क्वेश्चन में आता है ब्राह्मण के बारे में, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बेसिकली इज द इजी वे टू अंडरस्टैंड वैदिक श्लोकास। शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, स्टोरीज के तरीके से वैदिक जो बातें बताई गई हैं श्लोक में उसको एक्सप्लेन करना, यानी कि वेदों को सरल भाषा में समझाने का काम ब्राह्मण्स में किया गया। ये वेदों का ही हिस्सा है। जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ऋग्वेद के साथ कोई और ब्राह्मण है, साम वेद के साथ कोई और ब्राह्मण है, यजुर्वेद के साथ कोई और ब्राह्मण है, अथर्ववेद के साथ कोई और ब्राह्मण है। तो इस तरीके से ब्राह्मण जो है वो आम लोगों को, जिनको जिनकी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, जो इतने गूढ़ जो है सिंबॉलिक तरीके से लिखे गए श्लोक को नहीं समझ सकते, उनके लिए ब्राह्मण एक कमेंट्री के रूप में है, जिससे आपको पढ़ने से वेदों को समझने में हेल्प मिलती है। आरण्यक क्या है? आरण्यक मतलब होता है बुक फॉर जंगल हर्मिट्स। आरण्य, आरण्य का मतलब होता है जंगल। आरण्यक का मतलब होता है कि वो लोग जो तपस्या करने के लिए जंगल गए या नॉलेज लेने के लिए जंगल गए, उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा चीज उन्हें खाना चाहिए, कब उन्हें उठना चाहिए, किस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें आरण्यकाज में दी गई हैं।
आपको अच्छे से पता होगा कि आर्यंस ने इंसानी जो लाइफ है उसको चार आश्रम में बांटा था। कोई बता सकते हैं कौन कौन से आश्रम है ये जो चार आश्रम में बांटा गया इंसान के जीवन को? कौन कौन से आश्रम है आर्यंस ने बांटे थे ना? पहले युवा, ग्रस्त, वृद्ध। सबसे पहला है जी, बता रहे हैं संदीप, बल, युवा, ग्रस्त, वृद्ध। जी, इसको थोड़ा सा हम सोफेसिकेट कर देते हैं। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वाण स्थ, चौथा हो गया संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या है? इंसान के जीवन को 100 वर्ष का माना गया और पहला जो है 5 से लेकर के 25 साल तक के जीवन को ब्रह्मचर्य का माना गया। नॉर्मली 5 साल की उम्र में ब्राह्मणों के और जो क्षत्रिय होते थे उनका उपनयन संस्कार होता था। इंसान के जीवन को 16 संस्कारों में बांटे गए, तो 5 साल के बाद उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। मतलब ये हो गया कि अब वो एजुकेशन लेगा, सिंपल लाइफ जिएगा, किसी भी लग्जरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपल खाना खाएगा, सिंपल कपड़े पहनेगा, लाइफ में किसी भी तरह की आराम की तरफ नहीं जाएगा, ना ही शादी करेगा। तो ब्रह्मचर्य आ गया। अब 25 से लेकर के 50 जो है वो गृहस्थ हो गया, शादी वादी करेगा, बच्चे पालेगा, समाज की जिम्मेवारियों को पूरा करेगा। उसके बाद का जो आश्रम है वो है 50 से लेकर 75 तक का, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। इसका मतलब ये हो गया कि वो सुबह जंगल में जाएंगे, गांव के आसपास जो जंगल होंगे वहां जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे, रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे, फिलोसफी को समझने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। और लास्ट में 75 टू टिल डेथ जो है वो आपका संन्यास आश्रम है, कि अगर आप उसके बाद ही बच गए तो आपको क्या करना है, कमंडल लेना है, चिमटा लेना है, एक पोटली लेनी है और निकल जाना है जीवन को तलाशने के लिए। आप संन्यास जीवन जिएंगे जिसमें आप पूरे संसार को त्याग देंगे, सब रिश्ते नाते छोड़ देंगे, ताकि किसी भी तरह का मोह माया किसी के साथ ना रहे और आप अपने जीवन को आसानी से त्याग सके। अब इसमें देखिए, जो वानप्रस्थ है ये काफी हद तक आरण्यक के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, यानी कि जीवन में अगर आप 50 के बाद जब आप वानप्रस्थ में जाएंगे, जब आप जंगल में जाएंगे, सब तपस्या करेंगे या वहां पे लाइफ सुबह से लेकर शाम तक बिताएंगे, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इस सब की जानकारी इसी में मिलती है। काफी हद तक यही वो कारण भी था कि बाद में मंदिरों का निर्माण किया गया था, यानी कि जब शहर बन गए और शहर बनने के बाद शहरों के आसपास तो जंगल थे नहीं, क्योंकि पहले तो गांव हुआ करते थे, उसके आसपास जंगल हुआ करते थे, बागीचे हुआ करते थे, लेकिन जब शहर बन गए तो जंगल बहुत दूर हो गए, और जंगल दूर हो गए तो ऐसी जगह की तलाश की गई जहां पे वानप्रस्थ के टाइम पे लोग जाकर के अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर सके। और शायद यही कारण था कि मंदिरों का निर्माण किया गया, उसमें मूर्तियां भी रखी गई ताकि ध्यान लगाने में आसानी हो, और बाद में यही जगह कर्मकांड के रूप में आपको दिखाई देता है। इसके बाद आपका संन्यास आ गया। संन्यास में आप जो है पूरे तरीके से सब कुछ त्याग देते हैं। वेदांग जो है वो क्या है, लिम्ब्स ऑफ वेदास, यानी कि वेदों के आगे आगे हिस्से, यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, अलग अलग मतलब है इसके, कि किस तरीके से किसी में बताया गया है कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, किसी में बताया गया है कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए दिनचर्या का, आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, किसी में बताया गया है कि ग्रह नक्षत्रों को किस तरीके से देखेंगे। तो इस तरीके से वेदों के चीजों, वेदों के बाद आप देखेंगे कि वेदों के आधार पर ही सभी चीजें
आगे कमेंट्री के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको लिटरेचर में यहां पे मिलेंगे। उपनिषद क्या है, व्हाट एग्जैक्टली उपनिषद, इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांता, वेदांत मतलब वेदों का अंत। वेदों का अंत क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि वेदों का अंत इसलिए कहा गया क्योंकि ये वैदिक रिचुअल्स को, यानी कि जो कर्मकांड है उसको मानने से इनकार करते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करने की जरूरत, अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। और उपनिषद में क्या बताया गया है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब आत्मन और ब्राह्मण, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, किस तरीके से आत्मा जो है इतनी नॉलेज ले लेगी कि वो परम स्तर पे पहुंच जाएगी और वो आत्मा ही परम आत्मा के रूप में जानी जाएगी। तो यहाँ पे उपनिषद जो है वो वेदों के तौर तरीकों को मानने से पूरी तरीके से इनकार करता है। पुराण क्या है, नाम ही से लग रहा है पुराना, पुराना मतलब एंसियंट। ये क्या है, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री प्लस फिक्शन। मनगढ़ंत कहानियां और इतिहास का सम्मिलन है पुराण। यानी कि अगर इन वैदिक लिटरेचर में हम किसी को थोड़ा सा हिस्टोरिकल कह सकते हैं तो सिर्फ पुराण ही है। इसके अलावा सभी ग्रंथ धार्मिक ही हैं, इसका इतिहास के साथ कोई संबंध। ठीक है, उपवेदा क्या है, उपवेद ये क्या है, ये सेक्युलर बुक्स है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन से, विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद सेक्युलर सब्जेक्ट्स, तो वो उपवेद है। उपवेद चार है, कौन कौन से हैं उबा सकते हैं, कौन कौन से उपवेद है, एनी आइडिया? आप भी सोचते होंगे सर बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो यकीन मानिए आप सो जाएंगे। हिस्ट्री में लोग ऐसे भी कहते हैं कि नींद आती है। अब मेरे को एक्चुअली हिस्ट्री का एंसियंट पार्ट और कल्चर दोनों को मिक्स करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग हो सकता है, बट इतना बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आप इन चीजों के बारे में पहले शायद ना जानते हो तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया होगा। उपवेद चार है, पहला आप सब जानते हैं उसको, आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है, मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स। दूसरा क्या है, धनुर्वेद, जिसमें वारफेयर और आर्चरी के बारे में बताया गया। तीसरा क्या है, गंधर्व वेद, जिसमें डांस और म्यूजिक है। और चौथा क्या है, शिल्प वेद, जिसमें यज्ञशाला बनाने के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे हर एक को और उसके मतलब को समझ लेंगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बुक उठा लेते हैं जनरल स्टडीज की, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, रट्टा मारना शुरू कर दिया, याद हुआ नहीं, भूल गए, कंफ्यूजन हुई, आंसर्स भी गलत हो गए। स्मृति क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो इतने लिखे गए हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका भी मन किया उसने स्मृति लिख दी। लेकिन जो पॉपुलर है वो कौन से है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, यानी कि नियम कानून बनाए गए। इसी समय से क्या हो गया, कास्ट सिस्टम जो था वो वर्ण धर्म में तब्दील हो गया। क्या हो गया, वर्ण धर्म, मतलब जो भी व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया वही उसका धर्म हो गया, समझ गए। अब वो चाह के भी अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि वर्ण को चेंज नहीं कर सकता। इसके पीछे एक और भी कारण था, क्योंकि राजा को अपनी ऑथोरिटी को सेव करने के लिए डिवाइन राइट, यानी कि देवीय शक्ति उसमें डालनी थी, और उसको ये डिक्लेयर करना था कि उसको जो राजा बनाया है वो लोगों ने नहीं बनाया बल्कि खुद ईश्वर ने बनाया है। तो अगर ईश्वर ने उसको राजा बनाया तो अगला राजा अपॉइंट करने का अधिकार किसका है, राजा को। राजा किसको अपॉइंट करेगा, अपने बेटे को। तो इस तरह से ये बात तय हो गई कि राजा का बेटा राजा, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य,
शूद्र का बेटा, शूद्र। अगर किसी ने ये कहा कि मैं शूद्र का बेटा शूद्र नहीं हूं या वैश्य का बेटा वैश्य नहीं हूं, दैट मीन्स ही इज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड। इसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिया गया कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, आप चाह के भी इससे बाहर निकल पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्ण है वो धर्म हो गया और जो धर्म है वो असल में वर्ण बन गया। यानी कि जो रिलीजन था, जो स्पिरिचुअलिटी की बात अभी तक हमने की, जो हमने फिलोसफी की बात की, वो कहीं और ही चला गया और वर्ण धर्म में आपस में मिक्सिंग हो गई और सब कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाने लगा। जी, यहां तक के डिस्कशन में कोई सवाल, कोई डाउट? जी बताइए। जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया है, किन्नौर से हैं? एनी क्वेश्चन? नहीं, सबको समझ में आ रहा है या फिर मैं कहीं ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं चला गया? नो सर, आ रहा है सर। अच्छा, गुड गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों की छोटी छोटी बातें मेरा भी मोराल बूस्ट कर देती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से अगर हम एंशियंट भी पढ़ रहे हैं तो एंशियंट के साथ साथ हमें कल्चर को मिक्स करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। और अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको इसके बाद अगर आपको टेक एन एग्जांपल की स्कल्पचरल आर्ट, अगर ये पढ़ना है, मान लीजिए टेक एन एग्जांपल स्कल्पचर आर्ट पढ़ना है, तो मैं सिर्फ स्कल्पचर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म के बाद आपको ये समझना होगा क्योंकि बुद्धिज्म क्या है। अगर मैं ये आपसे पूछूं व्हाट एग्जैक्टली इज बुद्धिज्म, व्हाट एग्जैक्टली डील्स विद, तो बुद्धिज्म जो है वो डील करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, व्यवहारिक चीजों से। और वहीं पे जैनिज्म जो है वो क्या करता है, थियोरेटिकल है। मतलब इसको इस तरह समझिए कि बुद्धिज्म कह रहा है कि आपके जीवन में दुख है, अभी इसी समय आपके जीवन में दुख है, आपका जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ, तो उसको किस तरह से खत्म करना है वो बुद्धिज्म बता रहा है। तो बुद्धिज्म कह रहा है कि अपनी इच्छाओं को खत्म कर लीजिए, दुख खत्म। जैनिज्म कह रहा है आपके जीवन में दुख है लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इच्छा है, वो कह रहे हैं कि आपके पिछले जन्मों के कर्म है, आपको अभी इस जीवन में अपने आप को प्योर करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, सारे पापों से मुक्ति करनी है, तभी आप अगले जन्म में जाकर के अच्छे जीवन जी सकते। तो अगर मैं स्कल्पचर आर्ट करूंगा तो मैं बुद्धिज्म स्कूल ऑफ आर्ट पे जाऊंगा, बुद्धिस्ट, क्योंकि मैं पहले यह समझूंगा कि बुद्धिज्म कहता क्या है। और बुद्धिज्म में स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत कब हुई, तब वो शुरू हुई महायान सेक्ट से, हीनयान से नहीं, महायान सेक्ट से, जिसमें गौतम बुद्ध को एक आदि बुद्ध का अवतार माना गया और उसके बाद उनकी मूर्तियां बननी शुरू हुई। तो इसीलिए बुद्धिज्म जो है या बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट है वो हम यहां पढ़ेंगे। तो बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट में सबसे पहले क्या आएगा, पहला आएगा मौर्य स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा आएगा क्या आएगा कोई बता सकते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर क्या आएगा तीसरा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और चौथा आएगा क्या आएगा, गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट। अगर मैं आपको अगर सिर्फ ये स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा दूं तो इसमें से आए हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसका ये पता होना चाहिए कि ये शुरू कैसे हुआ। तो ये पहले तो ये टीचिंग क्या है, थ्योरी क्या है, उसके बाद स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने का सिस्टम शुरू कैसे हुआ, तो वो महायान के थ्रू हम बता पाएंगे। और उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि बेसिकली मौर्य स्कूल में की शुरुआत कहां से होती है, तो ये अशोका से शुरू होती है, जहां पे अशोका के पिलर्स बने, एनिमल्स बने, जो एनिमल कैपिटल है वो देखिए आप बने, है कि नहीं है, स्तूपास बने। तो स्तूपा क्या है,
What exactly is stupa? Anyone? स्तूप क्या है को बता सकते हैं? आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है कि नहीं, कि क्रैश कोर्स करने आ गए? एक का तो मुझे पता लगा, बताया मुझे अभी अमन ने बताया था, किसने बताया था, संदीप ने बताया था। यस सर, मैंने बताया। जी 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 बताएं संदीप जी। बुक के जो जो राख वगैरह थी, उसकी मिट्टी थी, जो उस पर बनाई हुई इमारतें, तो राख के ऊपर बनाए हुए इमारतें हैं। इसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा संदीप जी हमें, क्योंकि ना हम ऐसे नहीं लिख सकते एग्जाम में, और ऐसे आएंगे भी नहीं क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर आपको एक ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू पॉलिश योर लैंग्वेज, और आपको वर्ड्स को पकड़ना है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री के वर्ड्स ही आपने यूज करने। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के वर्ड यूज करने। एसेस बोल देते हैं सर। एसेस नहीं है वो, कैस्केट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? कैस्केट। कैस्केट मतलब बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या होगा? रिमेन्स, ह्यूमन रिमेन्स। ह्यूमन रिमेन्स का मतलब दांत, बाल, हड्डियां। किसके? इंपोर्टेंट मॉन्क्स या बुद्धा। जी आप इसको इस तरह समझिए, देखिए स्तूपा क्या है, तो यहाँ पे अंडा है, इसको कहते हैं अंड। ये आ गया एक और स्ट्रक्चर जिसमें ये कैस्केट में ह्यूमन रिमेन्स रखे होते हैं, इसको कहते हैं हड्डा। और ये आ गया आपका वो कहते हैं यष्टि। तो इसमें कुछ नहीं होता, ये बस स्ट्रक्चर ही है, और उसके दरवाजे पे होता है यहां पे तोरण। दरवाजा, गेट, क्या? इसके बाद यहां बाउंड्री हो जाएगी जी। तो ये जो है स्तूपा, वो क्या है कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंपॉर्टेंट हैं या गौतम बुद्ध हैं, उनके जो ह्यूमन रिमेन्स है, उनको एक कैस्केट का मतलब होता है चांदी का या सोने का एक छोटा सा बॉक्स जिसमें उनके रिमेन्स को रखा, और उन ये जो है ना बेसिकली अंडा और ये सारा चीज, इसको माना जाता है बॉडी ऑफ द मॉन्क। इसको बॉडी मान करके इसकी परिक्रमा की जाती है। तो स्तूपा का निर्माण किया गया। आपको सांची का स्तूपा आपने देखा ही होगा, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने नहीं भी देखा, नथिंग टू वरी, अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम कुछ भी देख सकते हैं इसमें। ये मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है बनाने की। ये तोरण द्वार, ऊपर हर्मिका एसटी भी दिखाई दे रहा है आपको, और अंड भी दिखाई दे रहा है, और उसके बॉर्डर भी दिखाई दे रहे हैं जी। दिखाई दिया? तो इस तरीके से अगर हम इसको समझेंगे ना, जिस तरह से कि आखिर में हमें अगर स्कूल ऑफ आर्ट समझना है तो हमें उसके डिटेलिंग में जाना होगा। हमें यह देखना होगा कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब अगर कोई पूछे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तो मथुरा स्कूल जो है ये, इसलिए मथुरा स्कूल और ये गंधारा स्कूल, ये कुशानों ने शुरू किया। कुशानाज, कुशान कौन थे? कुशान थे इन्वेडर्स, शक्का ट्राइब, चाहे एक हुची चाइनीज ट्राइब के को यहां पे शक्का ट्राइब कहते हैं। तो हाफ शेप्ड होते थे, इन्वेडर्स थे, चाइना से आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे आकर के धीरे धीरे यहाँ का सभ्यता संस्कृति को एक्सेप्ट भी कर लिया था, और इतना एक्सेप्ट कर लिया था कि पहला संस्कृत जो इंस्क्रिप्शन है वो शको ने ही यहाँ पे लिखा, रुद्रदमन। कहने का मतलब ये है कि ये मथुरा स्कूल और गंधारा स्कूल की शुरुआत कुशाना ने की। मथुरा बेसिकली उनका कैपिटल था, मथुरा तक ही उनका एम्पायर था, और इन्हीं के बाद गुप्ता एम्पायर आता है। तो ये जो दो एम्पायर थे, सॉरी एक ही एम्पायर जो था कुशानाज, उसी ने मथुरा शुरू किया, उसने गंधारा शुरू किया, और उसके बाद गुप्ता आया। तो इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है? ये प्योर इंडियन इन नेचर,
प्योर इंडियन है, गुप्ता आर्ट, और ये बेसिकली इनर जो पीस है गौतम बुद्ध की उसको भी शो ऑफ करने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ। वेट बुद्धा कंसेप्ट भी यहीं पे आता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जब एक कंसेप्ट को करना है तो उसके आगे और उसके पीछे दोनों के कंसेप्ट को आपको समझना होगा, तभी इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर थिंग्स इन अ लॉन्गर पीरियड। ऐसा ना हो कि आप अभी पढ़ लें, एक हफ्ते के बाद भूल जाएं और दो महीने के बाद पेपर आया तो उसमें कंफ्यूजन हो जाए। ज्यादातर गलतियां जो है हम करते हैं एग्जाम में वो इसीलिए करते हैं बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और वो कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमने समझा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई की होती है। जी समझ में आ गया आप लोगों को? इस डिस्कशन में किसी का कोई सवाल, किसी का कोई डाउट, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको तंग करता है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप मुझे बता सकते हैं। जी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि यार ये तंग करता है मुझे, थोड़ा सा मैं उसकी ब्रीफिंग आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, मेडिएबल में भी काफी सारी चीजें आएंगी आपको। मेडिएबल में भी जो आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी से शुरू होकर खिलजी में जाओगे, खिलजी से फिर तुगलक में, तुगलक से फिर लोदी में, और उसके बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो आर्किटेक्चर जो है उनका, वो पैलेसेस और टॉम्ब, ये दो चीजें वो मेजरली बनी है, मॉस्क या टॉम्ब या फिर पैलेसेस। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर पैटर्न को समझना होगा, वो हम डिटेल में करेंगे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में फिर आपका जो है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर या गोथिक आर्किटेक्चर है उनको आपको यहाँ पे करना होगा। पोर्तगीज जो है वो गोवा वगैरह दमन दीव में है, और बाकी जो दिल्ली की आर्किटेक्चर है, और उसके साथ साथ मेडिएबल में टेंपल आर्किटेक्चर यानी कि विमान शैली, नागर शैली, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना होगा। जी एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, और एनी टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आती हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी बताइए अमन, मैं सुन रहा हूं, बताइए। नो सर, नो डाउट सर। ओके ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, और अभी कल आपकी और भी क्लासेस होंगी जिसमें अलग अलग टीचर्स, हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स ही आपको मिलेंगे। वी बिलीव इन क्वालिटी, तो आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, आप देखना, अच्छा लगेगा। कल मेरे ख्याल आपकी क्लास है प्रीतम शर्मा सर के साथ है, इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिटी, है ना, तो उनसे पढ़िए, उसके साथ साथ बाकी टीचर्स भी काफी अच्छे हैं, देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को फायदा करा होगा और आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। यस सर, आपने भी अच्छा पढ़ाया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रेज हम लोगों को ताकत देती है, अच्छा लगता है जब आप लोगों को फायदा होगा और आप लोग अच्छे से ऑफिसर बनेंगे तो ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो और समझने में आसानी रही हो। यस सर, सबसे फिर से मिलने का मौका मिले इसी दुआ के साथ, आज के टाइम आज आपके साथ लेता हूं मैं, जल्दी मुलाकात होगी।